हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टाइल गोपिका। अक्सर मुझे ये सवाल किया जाता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स खुद क्यों यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर आपने मुझे कई बार देखा होगा, मैं जो खुद की मेरे पास एसेसरीज हैं या जो प्रोडक्ट्स मेरे पास रहते हैं उन्हें मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। तो कई बार कुछ लोग मेरी टांग खिंचाई करने के लिए, या फिर हो सकता है उनके मन में कोई जेन्युइन सवाल हो जिसको लेके वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं अपनी एसेसरीज़ खुद क्यों यूज़ करती हूँ या अपने प्रोडक्ट्स खुद क्यों यूज़ करती हूँ, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो चाहे क्लॉथिंग हो। तो कई बार उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। कुछ को लगता है हाँ ठीक है, सेल नहीं हो रहा होगा शायद इसलिए यूज़ कर रही हैं, कुछ को लगता है कि अच्छा फ्री का माल है तो इसलिए खुद इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सभी मिसकंसेप्शंस हैं, उसके पीछे ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगी अपने इस वीडियो के थ्रू। कि होता क्या है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हम कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए लेकर आ रहे हैं, तो हमारा एज अ बिजनेस पर्सन खुद का बिलीफ उस प्रोडक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने कस्टमर को कभी भी ये नहीं कर सकते कि हमने उन्हें फूल कर दिया या हम उन्हें ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हम खुद यूज़ नहीं कर सकते या जिसमें हमें खुद लूपोल्स नज़र आ रहे हैं या हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए सही नहीं है। तो अभी हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं या तो भी हम उन्हें वो प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच पर बिल्कुल काम नहीं करती हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं इस अप्रोच पर काम नहीं करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से यही फोकस रहता है कि मैं कस्टमर्स के लिए वो चीज़ लेकर आऊँ जो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी है, उसमें कोई ना कोई एक अच्छा एडवांटेज है जिसे वे यूज़ कर सकते हैं, जिसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसे आइडेंटिफाई कर वो कहीं ना कहीं उसे आगे इन फ्यूचर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे फॉर एग्जांपल हेयर बैंड है या हेयर क्लिप है, अगर वो लगाने में मुझे ही अनकंफर्टेबल है, मुझे ही इरिटेट कर रहा है, मैं किस तरह से लगा रही हूँ वो मुझे भी परेशान कर रहा है, मुझे उससे हेडेक हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरे कस्टमर को भी होगी डेफिनेटली। या अगर हो सकता है एक आध कस्टमर को नहीं भी हो, लेकिन अगर मुझे महसूस हो रही है तो हो सकता है वो एटलीस्ट 90% कस्टमर्स को भी वो प्रॉब्लम फेस हो रही हो। तो इसलिए मैं हमेशा वो प्रोडक्ट्स चुनती हूँ जो मुझे भी कंफर्टेबल रहें और मैं उन्हें यूज़ करके देखती हूँ कि ये कस्टमर के लिए चल पाएगा या नहीं या कस्टमर को अप्रोच कर पाएगा या नहीं। हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को कभी सेल नहीं करना की कोशिश करते हैं जो कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है या कस्टमर, अगर मैं खुद अपने स्टाइल को पिका की कस्टमर होती या कंज्यूमर होती तो मैं खुद यूज़ ना करूँ ऐसा प्रोडक्ट, मैं कस्टमर को अप्रोच नहीं करूँगी। अगर आप मेरे इस वीडियो से कहीं ना कहीं सहमत हैं या आपको लगता है जो लॉजिक या रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो मैंने दिया है, तो आप प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।